गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिश्मता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। आई एम सो सॉरी मैं ऐसे रैंडमली वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ टाइम से बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूं, पर मैं जिस एरिया में रहती हूं वहां पे वेदर बहुत ख़राब चल रहा है और इस वजह से नेटवर्क और इंटरनेट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, अपलोड होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने एक सोचा कि ऐसे एक वीडियो बना देती हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक के बारे में। ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ और एग्जैक्टली पॉइंट पे आती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक हर विश के लिए आप यूज़ कर सकते हो, चाहे अगर आपको अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट करनी है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या फिर आपका कोई गोल है, या फिर कुछ आपका कोई एम है, आपको वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके लाना है, अपने ब्रेन को उस तरह से प्रोग्राम करना है, तो फिर आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कि कोई और इन्ग्रीडियंट्स की आपको इधर ज़रूरत पड़ने वाली है। बस एज अ एफर्मेशन आपको बार बार इसके बारे में बोलना है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सोचो मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ बहुत टाइम से और मुझे धीरे धीरे डीमोटिवेट फील हो रहा है और लोग आके मुझे बहुत सारा ज्ञान देते हैं और जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने ब्रेन को प्रोग्राम ही नहीं कर पा रही कि कुछ दिन में मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करने वाली हूँ और मुझे ये पोजिशन मिलने वाला है। तो इसी टाइम आप यूज़ कर सकते हो ये टेक्निक कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला। तो आपको करना कैसा है बेसिकली जो भी है, तो आपको करना कैसा है, तो आपको जब भी डिमोटिवेट फील हो या फिर कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ मैं क्रैक नहीं कर सकती, या फिर नहीं ये एग्ज़ाम में नहीं कर सकती क्रैक, या फिर ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं आ सकती है, तो उसी वक्त आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो। जैसे कि सोचो कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत टाइम से कर रही हूँ, ठीक है, मैं होगी डीमोटिवेट अभी। जब भी दिमाग में ये थॉट आए या फिर कोई आके आपको डीमोटिवेट करके चला जाए, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन करो कि कॉन्ग्रेट्स, तुम ये पा चुकी हो और तुम अपने बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो तुमने ये क्रैक कर लिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें कि तुमने ये चीज़ क्रैक कर लिया। ऐसे करके खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ठीक है। सोचो कि कोई आके आपको कुछ भी बोल रहा है कि आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता, या फिर आपकी रिलेशनशिप में ना किसी भी आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो गया, या फिर घर में किसी के साथ भी आपकी नहीं बन रही है, ठीक है। तो जब भी झगड़ा हो या फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी हम दोनों के रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो। कैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सुचिश्मिता, मेरा नाम सुचिश्मिता है तो मैं बोल रही हूँ, आप अपना नाम बोलना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुचिश्मिता, तुम्हारी रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत अच्छी हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम दोनों फाइनली साथ हो गए हो। ऐसा आपको तब तब बोलना है जब जब आपको विश रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आए। दिन में अगर नेगेटिव थॉट ना भी आए, कभी भी याद आ जाए, दिन में आप 10 से 12 बार 13 बार 14 बार 5 बार 10 बार जब भी दिल करे आप इसको बोल सकते हो। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी बार चाहे आप बोल सकते हो। मैं आपको और एक ट्रिक बताती हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हो। आप एक अकाउंट अपना बना सकते हो, ठीक है, या तो फिर खुद को ईमेल कर सकते हो अपने किसी फेक अकाउंट से, या फिर कहीं किसी भी दूसरे अकाउंट से खुद को मैसेज कर सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए चुना गया है, और बार बार उस मैसेज को रीड करो, बार बार उसको देखो, स्पेशली तब जब आप सोने जा रहे हो, क्योंकि तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको देखो और खुश हो। अब सोचो कि कोई आपको
किसी चीज़ के लिए आके कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है, जो चीज़ आप बहुत टाइम से जिसके पीछे भाग रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा? आपको ऐसा फील होगा कि ये तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब लोग आके मुझे कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो उस चीज़ को आप फील करो, उस चीज़ को आप विजुअलाइज करो कि सारे लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर विश के लिए जो कि पूरी हो चुकी है। तो ऐसा आपको रोज़ करना है, जब तक आपका दिल करे, जितने दिन तक आपका दिल करे, ठीक है। तो ये रहा कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब नॉर्मल है। इसमें कोई भी आपको झंझट या फिर आप कहीं पर भी ऐसा हो कि कुछ लोगों को यू नो स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाते या फिर अफर्मेशन नहीं लिख पाते क्योंकि घर पर उतना प्राइवेसी नहीं होता, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशली ये टेक्निक है। वो आराम से आप बोल तो सकते हो ना खुद को, तब तो कोई नहीं सुन रहा, आप मन ही मन भी बोल सकते हो, आप लाउडली भी बोल सकते हो, जैसा आपका दिल करे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट, मेरा वेदर जब भी ठीक हो जाएगा मेरे एरिया का, मैं इमीडिएटली कुछ अच्छा सा वीडियो अपलोड कर दूँगी। और एक चीज़, आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो अपने स्पिरिचुअल पाथ में है, जो बहुत ही मतलब यू नो अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। तो मेरी वीडियो उनको सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @sujushmita1111। जब मैं इंस्टाग्राम पे 5K फॉलोअर क्रॉस कर लूँगी तब मैं आप सबके लिए एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ लेके आने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ग्रो करना पड़ेगा, फिर वो चीज़ आपको पता चल जाएगा, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। टेक केयर, सी यू।